नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों आज बात करेंगे, एक नहीं कई बैंक आपको देखिएगा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे मंडे और अपकमिंग पर्टिकुलर वीक में, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी सिनेरियो चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। कल रात को भी मैंने अपडेट बताया था कि फेडरल बैंक के रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही क्लासी आए थे, बहुत ही क्वालिटी रिजल्ट देखने को मिले थे। तो वहाँ पे देखते हुए अगर आप देखेंगे तो अब आ चुके हैं HDFC बैंक के रिजल्ट। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है जो HDFC बैंक और HDFC AMC से रिलेटेड था। तो आप देखेंगे एक एक करके इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पूरा डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारी अपडेट निफ्टी बैंक से रिलेटेड है, तो निफ्टी बैंक में ही आपको परफॉर्मेंस मंडे को ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना भी रेट हाइक का फायदा मिला है वो निफ्टी बैंक को देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक Q1 रिजल्ट देखेगा और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आप देखेंगे कि 16% का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था और 19% तक प्रॉफिट जंप हो चुके हैं। कल का वीडियो जरूर देखिएगा, कल मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे सिनेरियो चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये जो प्रॉफिट आए हैं वो 9196 CR के आसपास देखने को मिले हैं, और साथ ही साथ जो कोर इनकम होती है बैंकों की, कोर इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है, कोर इनकम होती है, उसमें भी 14.5% का जंप देखने को मिला है। तो बहुत ही क्वालिटी जंप आया है, और एक एक करके सारी डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या बढ़िया नतीजे आगे जो टॉप बैंक्स हैं उनके आ सकते हैं, ये भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने देखिएगा रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें नेट इंटरेस्ट इनकम पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये कोर इनकम होती है। सबसे अच्छी बात क्या है, HDFC बैंक ब्रांच का एक्सपेंशन बहुत कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ब्रांच HDFC बैंक के खुल रहे हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया में भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां कोई अदर बैंक नहीं है, ताकि ब्रांचिंग सिस्टम को भी काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिले, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन भी देखने को मिले, और उनको मिनिमम ही इंटरेस्ट देखने को मिले लेकिन हर जगह से देखने को मिले, और ज्यादा कॉम्पिटिशन उस पर्टिकुलर फील्ड में ना देखने को मिले, तो उसका फायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 17,000 करोड़ के प्रॉफिट हुए थे, जो आपको देखिएगा बढ़कर इतने देखने को मिल रहे हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो जंप काफ़ी बड़ा आया है, और अगर आप देखेंगे तो इसी समय पर, अगर अप्रैल जून क्वार्टर में अगर आप देखेंगे इसी समय पर इतने बड़े देखिएगा यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहे थे, तो काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा फिफ्थ यानी कि नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट अ फिफ्थ, यानी कि बहुत तेज़ी से जंप आया है, और लास्ट जो क्वार्टर था एवरेज रिजल्ट रहे थे, और आपको पता है जब एवरेज रिजल्ट रहते हैं तो एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं, तो देखिएगा जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे कम आते हैं तो मार्केट वैल्यू भी देखिएगा इंपैक्ट होती है, और इन्वेस्टर भी देखिएगा वहां पे सेलिंग करता है। तो 1630 का आई गेस देखिएगा यहां पे एक हाई बनाया था जब न्यूज आई थी मर्जर की, तो अगर आप देखेंगे तो उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली थी, चूंकि इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे लास्ट क्वार्टर के, और अब वो चीज थोड़ी सी देखिएगा थोड़ी सी स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल रही है, चूंकि रिजल्ट पूरे ओवरऑल अच्छे हैं। पहले बात करेंगे प्रोविजन की, तो प्रोविजन में भी देखिएगा कितना बड़ा फॉल आया है, क्योंकि आपको पता है रेट हाइक के बाद स्ट्रांग यानी कि जो देखिएगा क्वालिटी लोग हैं वही लोन्स ले रहे हैं, तो एक अच्छा प्रोविजन में भी देखिएगा गैप डाउन देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे एसेट क्वालिटी, जो सबसे मेन होती है किसी भी बैंक के लिए, तो अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे भी NPA ग्रॉस NPA जो है वो 1.28% के आसपास आए हैं, जो कि 1.47 थे Q1 FY 2022 में। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट है। जितनी ज़्यादा एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा उतना बेटरमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको पता है ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे NPA वैल्यू में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। फिर अगर आप बात करेंगे डिपॉजिट्स में, तो डिपॉजिट आपको पता है मेन पर्टिकुलर टारगेट है, इसीलिए ब्रांच का एक्सपेंशन कर रहे हैं ताकि इनका कासा और भी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिले, कासा में और क्वालिटी देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द टोटल रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली है, टोटल डिपॉजिट देखिएगा 1604 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे 19.2% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कासा डिपॉजिट में 20.1% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही देखिएगा
एक फास्ट पेस ट्रैक में काम कर रहे हैं। और आफ्टर रेट हाइक जो बैंकों के लिए देखिएगा एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफ़ी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, तो वही कुछ होता हुआ एक पर्टिकुलर टॉप दिग्गज बैंक जो इंडिया का वन ऑफ द लेंडर है उसके रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ देखिएगा सबसे बढ़िया बात करेंगे कि एडवांसेस यानी कि क्या लोन की गति कम हुई है, तो लोन की गति अब तक तो कम नहीं हुई है, 21% का जंप देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं यानी कि अभी भी वो जो एक्सपेक्टेशन थी कि आप रेट हाइक करोगे तो एकदम से असर पड़ जाएगा लोन बुक पे, तो अभी तक ऐसा इंडिया में तो देखने को नहीं मिला, चूंकि इंडिया में भी जो पेस मोमेंटम है ग्रोथ मोमेंटम है वो अभी भी कॉन्टिन्यू देखने को मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी एडवांसेस और लोन बुक अच्छी रहेगी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जनरेट होगा, उतने ज़्यादा रेवेन्यू इंक्रीज होंगे, तो वो आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर आप बात करेंगे तो ये सारे बैंकों के लिए, एक तो फेडरल बैंक ने धमाका किया था कल छोटे बैंकों के लिए, और HDFC ने तो पूरे बैंकों के लिए, चाहे वो कोटक बैंक हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे SBI या IndusInd, ये सारे आपको मंडे को भागते हुए देखने को मिलेंगे, इनमें एक जंप आएगा और फिर इनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग इनमें देखिएगा मोमेंटम बनेगा कि इनके खुद के रिजल्ट कैसे आते हैं। फिर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे कन्फर्म हो गया है, अगर आप पब्लिक सेक्टर में दिग्गज की बात करेंगे तो HDFC बैंक से तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर आपको SBIN के आते हुए देखने को मिलेंगे, इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर डाउट रह नहीं गया है। तो इसका इंपैक्ट आपको PSU बैंकों में देखने को मिलेगा, ये सारे बैंक हैं इनमें भी मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी देखिएगा मोस्ट अवेटेड जो अपडेट थी वो भी आते हुए देखने को मिल चुकी है कि PFRDA अप्रूव्स HDFC बैंक HDFC मर्जर। तो आप समझ सकते हैं ये जो मोस्ट अवेटेड अपडेट थी वो भी आपको आते हुए देखने को मिल रही है। तो बोथ अपडेट आर इन द पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री। अब ग्लोबल सेंटीमेंट किस तरीके से ऊपर के लेवल पे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल सेंटीमेंट ऊपर की तरफ किस तरीके से प्रेशर बनाते हैं वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका से क्या क्या अपडेट्स आते हैं वो भी आपको चेकआउट करना है, तो एक बैलेंस बना रहेगा कि कितना मोमेंटम के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि मोमेंटम के बाद देखिएगा बैड न्यूज तो मार्केट में रहेंगी, ये न्यूज फैक्टर इन भी होंगी, तो उसके हिसाब से टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक करते रहना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।